बकिया वीडियो देखने से पहले वीडियो को लाइक करें, रहम टीवी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें, शुक्रिया। जहाँ तक इसके फजाइल व फवाइद का ताल्लुक है वो खूब है। एक तो बहुत ज़बरदस्त इसका फ़ायदा ये है कि आमतौर पर ख़वातीन को जो है वो महाना जो है अय्याम जब शुरू होते हैं तो बंद ही नहीं होते, ऐसा मर्ज लाइक हो जाता है इस्तिहाजे का और कसरत हैज़ का, जिसकी वजह से उनको बड़ी तकालीफ उठानी पड़ती हैं। उसके लिए इसके अंदर बड़ी तासीर है कि रोज़ाना जो है ये सूरत एक मरतबा तिलावत करके पानी दम करके पीते रहें और एक हफ्ता तक बिला नागा कर लें, इंशाल्लाह वो उनका मर्ज रफा हो जाएगा, सारी उम्र के लिए, सारी उम्र के लिए रफा हो जाएगा। बहुत मुजर्रब अमल है और हमारे पास पता है कि बहुत से अहबाब भी इस तरह की शिकायत करते हैं, लेकिन सूरत दाहर में बड़ी तासीर है कि अल्लाह तबारक व ताला उन ख्वातीन को शिफा दे देते हैं और नस्वानी किसी भी किस्म के अमराज होते हैं वो इस सूरत दाहर की तिलावत करके पानी पीने से रफा हो जाते हैं। और दूसरा यह है कि मूजी बीमारियां जैसे कैंसर है और इसी हेपेटाइटिस सी है, ताउन है, इन मूजी बीमारियों से अगर बचना चाहते हैं कि ये घर और घर वाले बचे रहें तो रोज़ाना तीन मरतबा तिलावत करें, रोज़ाना तीन मरतबा तिलावत करके और जो वो पानी पे दम करके घर में छिड़क भी दें और जिन जो लोगों को पिला सकते पिलाते रहें, तो ये 90 दिन पाबंदी से इसका अमल कर लें तो इंशाल्लाह कभी भी कोई मूजी बीमारी घर में दाखिल नहीं होगी। क्या आपने इतना अच्छा नुस्खा बता दिया डॉक्टर से बचने का। जी बिल्कुल ठीक है, बेहतरीन उसका, क्योंकि जाहिर है कि अल्लाह सबसे बड़े डॉक्टर है, उसके और कुरान करीम तो तिब्बे रूहानी है, क्या बात, तो ये इसके अंदर तासीर है। और एक ये कि अगर कोई दुश्मन पीछे पड़ गया है वो अपनी जबान से कौल से फेल से ईजा देता और छुटकारा नहीं होता तो रोज़ाना 7 मरतबा ये इस सूरत की तिलावत की जाए, इसी नीयत से तिलावत की जाए कि ये फलां फलां जो दुश्मन इसे छुटकारा हो जाए, इनके जुर्म सितम से जान छूट जाए, तो एक हफ्ता पाबंदी के साथ अगर पढ़ लेंगे इसको तो अल्लाह तबारक व तआला दुश्मन को आपसे दफा कर देते हैं और आपको उसके जुर्म से छुटकारा हो जाता है। ये इसके अंदर जो है तासीर बहुत खूब। और जहाँ तक ख्वाब में ताबीर का ताल्लुक है तो इमाम जाफर सादिक रजी अल्लाह तआला फरमाते हैं कि जिसने ख्वाब में उसको तिलावत करते देखा इसका मतलब है कि आले रसूल से ये मोहब्बत करने वाला होगा और आले रसूल से मिलकर ये खुश होगा, अल्लाह इसको जो है वो गोया के आले मोहम्मद और आले रसूल के साथ खास ताल्लुक और मोहब्बत नसीब फरमाएंगे, एक मतलब ये। और दूसरा मतलब ये कि इसको सदकात अल्लाह के रास्ते में देने का खुद मौका मिलेगा, खूब अल्लाह के रास्ते में खर्च करेगा, खूब अल्लाह के रास्ते में सदकात और खैरात बांटेगा और उस पर जो खुश होगा और अपनी ज़ात पर दूसरों को तरजीह देगा, दूसरों की हाज जरूरत को अपनी ज़ात पर तरजीह देगा और अखलाक हसना का मुरक्कब रहेगा। और तीसरा मतलब यह है कि अल्लाह तबारक व ताला इसको दुनिया के अंदर राहत और आराम की ज़िंदगी अता करेंगे, आखिरत में इसके लिए जन्नत के हालात और असबाब आसान कर देंगे। बहुत खूब, ये इसकी ख्वाब में ताबीर, तो ये इसके मज़ामीन की हकीकत।